नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत चुनाव आयोग ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल ना करने की हिदायत दी है। आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। दो हजार चौबीस के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसके तहत चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। आयोग का कहना है कि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस गाइडलाइन में किसी भी तरीके से बच्चों का राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों के द्वारा बोले गए शब्दों या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना शामिल है। चुनाव अभियान संबंधी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि अगर कोई भी दल अपने चुनाव प्रयास में बच्चों को शामिल करते हुए पाया गया तो बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि किसी राजनीतिक नेता के आसपास अपने माता पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की मौजूदगी को चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं किया गया है और न ही इसे गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग ने अपनी गाइडलाइन में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संशोधित अधिनियम 2016 का सभी राजनीतिक दलों को बच्चों को चुनाव प्रचार में शामिल न करना सुनिश्चित करें और दल अपने उम्मीदवारों को इसकी अनुमति न दें। ताजातरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।